ये ले जी गरम गरम चाय। आप ये लो ना। आप हाँ। मैं डाल। मैं ये। अच्छा मैं सोच रहा था कि नाश्ते के बाद ना हम तुम्हारे लिए शादी की शॉपिंग करने मॉल चलें। नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा पर मैंने तो सुन रखा है कि लड़कियों को शॉपिंग करना बेहद पसंद है और वैसे भी मैं तुम्हें शादी के मौके पर कोई तोहफा नहीं दे सका और इसके लिए मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। तो आप अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए मुझे शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं? नहीं मैं इसलिए लेके जाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फर्ज है और मैं नहीं चाहता कि मेरी दीदी के पास किसी भी चीज की कमी हो। मामानी जान का फोन होगा। मैं हाँ देखो जरूर। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? जी। अब अंदर आऊं या यहीं खड़े खड़े सारी बात होगी? आइए। अम्मा भी इस दुनिया से तो रुखसत हो गई, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हवाले कर गई। अरे भाई मैं तो अपने शौहर बच्चे घर बार किसी पर तवज्जो ही नहीं दे पाती क्योंकि मुझे हर वक्त तुम पर तवज्जो देनी होती है और तुम हो तो मैं इस बात का कोई एहसास ही नहीं है। जी बाजी आप बिलावजह बहुत ही फिक्र करती रहती हैं हर वक्त, ना क्या करें, आप निदा पर और शकील भाई पर ज्यादा ध्यान दें, यही अच्छा होगा। जुनेद मुझे ना ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे कब कहाँ किससे क्या बात करनी है, क्या करना। मसला तो यह है कि तुम में अकल ही नहीं, क्या करूं? अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उस हुसन आरा के घर रिश्ता लेकर जाने की? मैं तो जब भी ये बात सोचती हूं शर्म से सर झुक जाता है मेरा। तो बाजी अब ये बात हो चुकी है, अब दोहराने से क्या फायदा। अच्छा खैर बात यह है कि मैंने एक लड़की देखी है तुम्हारे लिए और मुझे अच्छी लगी। मैं आज शाम को लड़की के घर जाऊंगी और मैं चाह रही हूं तुम भी मेरे साथ चलो। अब मैं एक दिन भी मजीद जाया नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं रहा है। पता चला तुम दोबारा सुरैया खाला के दरवाजे पे जा बैठे। नहीं ऐसा तो अब हरगिज नहीं होगा, आप बेफिक्र रहे। अच्छा अच्छी बात है कि तुम्हें भी अकल आ गई। अब शाम को मुझे लड़की वालों के घर तैयारी करके जाना है, वहां जरा मुझे कुछ पैसे दो। अब बाजी जाने की जरूरत नहीं होगी लड़की वालों की तरफ। क्यों? वो जुनेद कौन है ये लड़की? बाजी ये है मीना। बीवी। क्या ये लड़की तुम्हारी बीवी?
क्या ऑल फॉल पक रहे हो? ऑल फॉल नहीं है बाजी, सच है ये, मैंने शादी कर ली। जुनेद, तुमने इससे शादी कर ली? तुमने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया? क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने? ऐसे मैं इकलौते अपने भाई की बारात लेकर जाऊंगी, ऐसे दर दर में फिरी लड़कियां ढूंढने के लिए तुम्हारी, और तुमने मुझे कानो कान खबर नहीं होने दी। ये सिला दिया तुमने मुझे, ये एक एक लम्हे में तुमने मुझे गैर कर दिया। बाजी, देखिए मैं जानता हूँ इस वक्त आप बहुत परेशान हो रही होंगी और ये सब कुछ आपके लिए बहुत शॉकिंग होगा, लेकिन मैं क्या बताऊं, सब कुछ अचानक हो गया। झूठ मत बोलो जुनेद, झूठ मत बोलो, मत बनाओ मुझे बेवकूफ। ऐसे कैसे अचानक हो गया? तुमने यकीनन प्लानिंग की दी होगी, और ये प्लानिंग तुमने अकेले नहीं की होगी, तुमने उस अनवर के साथ मिलकर ये किया है। ऐसे कैसे इस लड़की के घर वालों ने तुम्हारा निकाह कर दिया इसके साथ? भगा कर लाए हो इसे तुम, या तुम पहले से जानते हो इसे, या ये वो तुम्हें वो फेसबुक पे मिली है? अरे इसकी जात पात का पता है तुम्हें? ओ भाई बस कर दे, बोली चली जा रही है, बोली चली जा रही है। इतनी देर से मैं आपकी टिटर उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, खबरदार जो मेरे खिलाफ एक और बुरी बात की तो वरना मैं भी बता दूंगी। अरे मीना बस खामोश हो जाओ, तुम कमरे में जाओ। मैं नहीं, मैं क्यों जाऊं कमरे में? बाजी देखिए, मुझे अपना घर बसाना था ना, शादी तो करनी थी, आप यही चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, सो हो गई। जुनेद, एक नंबर की बदजबान बदतमीज लड़की है ये, और तुम, अरे तुम तो हो ही हमेशा से अकल के पैदल, तुम देख लेना, तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे, भुगतोगे तुम। बाजी मेरी बात सुने, बाजी सुने, बाजी बात तो सुने, बाजी मर गई तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए।